दी चैनल, कैसे हैं आप सब। आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है एक नए व्लॉग में। तो आज व्लॉग की शुरुआत हो रही है सफाई के साथ। तो सुबह का टाइम है, सुबह का भी टाइम नहीं है, नाश्ता वास्ता बन चुका है, अब है क्लीनिंग का टाइम। तो यहाँ पर थोड़ी बहुत गैस पर मैंने स्प्रे करके छोड़ा था, सो दैट गैस जो है वो थोड़ा सा थोड़ी देर के बाद जब क्लीन करूँ तो अच्छे से क्लीन हो जाए। अच्छा, इस वाले ग्लास वाले जो गैस होते हैं ना, इस पर जब कुछ गिर जाता है लाइक चाय या फिर मिल्क, तो ना वो इतना मतलब बहुत अजीब तरीके से उस पर चिपक जाता है, फिर वो क्लीन ही नहीं होता है। तो इस वजह से उस पर स्प्रे करके एंड थोड़ी देर छोड़ना पड़ता है, उसके बाद उसको क्लीन करने से वो क्लीन हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर थोड़ा बहुत सोफ़ा पर कुछ कुछ गिरा हुआ था, क्योंकि बाबू दिन भर सोफ़ा पे ही बैठा रहता है, तो बहुत सारी चीज़ खाने पीने की चीज़ उस पर गिर जाती है। तो इस तरीके से थोड़ा बहुत मैं क्लीन कर रही हूँ, और आज ऊपर ऊपर से ही क्लीनिंग हो रही है, अदरवाइज़ मैं वैक्यूम क्लीनर से पूरा क्लीन कर देती हूँ, तो अच्छे से उससे क्लीन हो जाता है। और आज का दिन सैटरडे है, तो बाबू भी आपको इस व्लॉग में देखने को मिलेगा बहुत बहुत हद तक, क्योंकि वो आगे पीछे इस तरीके से घूम रहा है। मैं सफाई कर रही हूँ और वो भी मेरा हाथ बटा रहा है, और साथ ही साथ वो थोड़ी बहुत बदमाशी भी कर रहा है। तो बस जितना साफ़ सफाई है, सारे साफ़ सफाई आज जल्दी जल्दी निपटाऊँगी मैं, उसके बाद फिर आगे का कार्यक्रम चलेगा। तो यहाँ पर थोड़ी बहुत अब टेबल की क्लीनिंग है, जिसे मैं क्लीन करूँगी। बीच बीच में श्रेयांस को भी कुछ कुछ चाहिए, तो वो भी मांगने आ रहा है, तो उसको भी कुछ कुछ चाहिए होता है बीच बीच में, तो उसको भी देखना पड़ता है। एंड बस यहाँ पर टेबल पे जितने भी सामान थे वो सब मैंने क्लीन कर दिए, और अब आपको दिखाती हूँ थोड़ा सा बाहर का व्यू कि अब बाहर कैसा लगता है। तो देखिए बाहर कितना खूबसूरत हो चुका है, अब सारी जितने भी पेड़ थे ना, सब के सब ग्रीन हो चुके हैं, जो सूखे पड़े हुए थे, आपको मेरे प्रीवियस व्लॉग में आपने अगर देखा होगा तो ये सारे पेड़ ना सूखे सूखे से थे, बट अब देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, हर तरफ बस ग्रीनरी ही आपको दिख रही होगी, बहुत खूबसूरत लग रहा है। और वेदर भी ना अब काफ़ी अच्छा हो गया, टेम्परेचर काफ़ी अच्छा रहता है, तो हम बाहर आराम से घूम सकते हैं, बाहर काफ़ी अच्छे से घूमते। यहाँ पर देखिए मैं क्लीनिंग कर रही हूँ, और इसी में श्रेयांस को वही चाहिए जो मैं कर रही हूँ, तो मैंने छोटा वाला दिया तो वो उसे फेंक दिया और बोल रहा है कि नहीं मुझे बड़ा वाला ही चाहिए, और जब मैंने दे दिया तो बस मतलब मेरी आधे घंटे की छुट्टी हो गई। और यहाँ पर श्रेयांस गाना गा रहा है, वाइपर्स ऑन द बस को स्विस स्विस स्विस, और वही उसका चल रहा है। फिर थोड़े देर मैंने देखने के बाद मैंने बोला अब बस बहुत लेट हो रहा है, तो मुझे दे दो अब, तो मैं अपना काम कर लूँ। और फिर यहाँ पर मैं लग गई अपनी क्लीनिंग में, और बीच में बस ये आगे पीछे बस ऐसे ही कर रहा है। तो घर में रहता है तो बेचारा ये भी बोर हो जाता है कि क्या ही करना है, तो जब तक मैं क्लीनिंग करती हूँ ये आगे पीछे करता है, और जब मैं अच्छे से सारा काम अपना निपटा लेती हूँ फिर मैं उसके साथ बैठ के खेलती हूँ, तो उसका भी मन लगा रहता है, या फिर मैं उसको लेकर बाहर निकल जाती हूँ, क्योंकि अभी टेम्परेचर काफ़ी सही रहता है, काफ़ी गर्मी आ चुकी है यहाँ पर, तो काफ़ी अच्छा रहता है बाहर। साइकिलिंग कर लेता है बाबू थोड़ा सा, तो उसको अच्छा लगता है। एंड देन यहाँ पर आज पति देव बाहर से खाना लेकर आए हैं, तो आज खाना बनाने की कोई टेंशन नहीं थी, तो ये है कुछ खाना जो कि पति देव लेकर आए हैं अभी। तो यहाँ पर है जीरा राइस है, आई थिंक, हाँ जीरा राइस था, एंड देन दाल मखनी और मटर पनीर, एंड देन यहाँ पर मटन बिरयानी है और नान है। हाँ, उसके बाद खाने पीने के बाद जब हम खाना वाना खा लिए, तो थोड़ी देर के बाद मैं थोड़ा सा मूवी एक देख रही थी, दंगल का एक क्लिप देख रही थी छोटा सा, तो उसको देखते देखते बाबू बहुत ज़्यादा खुश हो गया, और वो उसको भी लग रहा था कि मैं भी ऐसा कर सकता हूँ, तो वो अपने पापा को उठा कर ले गया और उनके साथ इस तरीके से वो लड़ने लगा। तो इतना छोटा सा तो है, इतना छोटा पैर, इतना छोटा सा हाथ, और वो ऐसे कर रहा था ना, तो इतना क्यूट लग रहा था, इतना क्यूट, तो मैंने थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लिया, मुझे बड़ी हंसी आ रही थी देख कर, मतलब इतना क्यूट लग रहे थे दोनों, तो ये दोनों खेल रहे थे आपस में, तो मैंने थोड़ा सा क्लिप इनका ले लिया, क्योंकि मुझे अच्छा लग रहा था, बहुत क्यूट लग रहा था इस वजह से। एंड देन थोड़ी देर के बाद इवनिंग में हम निकल चले बाहर वॉक के लिए, तो अभी रोज़ हम इवनिंग में हम लोग बाहर निकल जाते हैं, बाहर मतलब अपार्टमेंट के अंदर ही रहते हैं, अपार्टमेंट से बाहर नहीं निकलते हैं, ये अपार्टमेंट के अंदर का ही आपको दिखा रही हूँ मैं, ये सारा का सारा जो है व्यू अपार्टमेंट के अंदर का है। और वॉक करते करते देखिए हमें क्या मिला, इतना बड़ा सा टॉर्टॉइस, इतना बड़ा, मैंने कभी भी इतना बड़ा सा टॉर्टॉइस कभी नहीं देखा था, मैंने छोटे वाले देखे हुए हैं, तो वो देखकर मतलब हाँ ठीक लगता था, बट इतना बड़ा सा देख के ना मैं तो बोली बाप रे। तो इसको देखकर ना हमें काफ़ी
मतलब हमें सोचा कि पता नहीं ये रास्ते पर है, काफ़ी डर लग रहा था, तो थोड़े दूर पे पानी था, हमने सोचा इसे वहाँ छोड़ देते हैं, अदरवाइज़ गाड़ी वाड़ी अगर चढ़ गई तो बेचारे को कुछ हो सकता है, तो इस वजह से हमने उसे पानी में छोड़ दिया। तो आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं आपसे अपनी दूसरी वीडियो में, तब तक टाटा।